देखो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक करोड़ टेन करोड़, उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म, उनकी नंबर नेम फॉर्म। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू यू विल बी सी इन योर बोर्ड। फर्स्टली आई विल राइट ए नंबर 5678। मैंने आपके सामने एक नंबर नोट किया है 5678। इसको मैं 11 डिजिट्स में रीड कर रहा हूँ, तो ये 5678 है। वो कंबाइंड में इसको रीड करूँगा तो 5678 है। तो ये 5678 है, हमें उसी में बताना है कि ये 5678 फॉर्म जो है इसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में हमें शो करना है। तो हम जिस भी डिजिट की प्लेस वैल्यू को शो करते हैं, मैंने आपको वैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में इसका समझाया था, पर मेथड्स के फॉर्म में मैं अब आपको समझा रहा हूँ। जब भी हमें किसी की प्लेस वैल्यू को शो करना हो तो हम डिजिट्स की पोजीशन देखते हैं। फर्स्ट प्लेस पर हमारी डिजिट क्या है, 5 है। अब 5 के बाद जीरोस काउंट कर लो, 1, 2 एंड 3, दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। देन सेकंड डिजिट इज 2, सो 1 एंड 2, तो 600 इज द सेकंड पोजीशन ऑफ 6 इज द प्लेस वैल्यू। एंड थर्ड डिजिट इज 7, सो 70 एंड 8 इज वंस पोजीशन, सो इज अ 8। मैंने आपको इसमें रीड करना भी बताया था, वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड। इसी सीक्वेंस में जिस तरीके से हमारी डिजिट्स आगे इंक्रीज होती चली जाएगी, फॉर एग्जांपल मैं इसी डिजिट के आगे एक 9 लिख देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 10,000। तो वो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट? देखो ये है प्लेस वैल्यू फॉर्म। अब नेक्स्ट है हमारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के अंदर हमें जो वैल्यू पूछी जाती है, जैसे हमारी डिजिट थी 5678, हमारे सामने डिजिट थी 5678, द वैल्यू इज द नेम इज द फेस वैल्यू, यानी कि उसके जो नाम है, यानी कि 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7 है, 8 is 8, तो यही उसकी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना किसी व्यक्ति को जाना कैसे जाता है, उसके नाम से जाना जाता है, उसके चेहरे से जाना जाता है, उसी तरीके से यहाँ फेस वैल्यू का मतलब है कि इस डिजिट को आप किस फेस से जानते हो। तो किससे जानते हो उसको, किससे रीड करते हो, 5 से। तो इसलिए इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई, 5, देन 6, देन 7, देन 8। मैं कोई भी डिजिट लिख दूंगा वही उसकी क्या होगी, फेस वैल्यू होगी। जैसे इसमें मैंने 9 ऐड किया था, तो यहाँ पर अगर मैं 9 की फेस वैल्यू भी चाहूँगा तो 9 की भी फेस वैल्यू क्या होगी, 9 ही होगी। यानी फेस वैल्यू उसकी वो डिजिट ही होती है, और प्लेस वैल्यू उसकी अकॉर्डिंग टू नंबर्स कंडीशंस की वह किस पोजीशंस पर है, वंस पर है, टेंस पर है, हंड्रेड पर है, थाउजेंड पर है, 10,000 है, लैक, 10 लैक, करोड़, 10 करोड़, जिस प्लेस पे है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लेस वैल्यू होती है। उसे फेस वैल्यू में मिक्स मत करना। किसी को भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे कंसर्न कर लेना, पर गलत नोट डाउन मत करना और गलत SW भी मत करना। जिसको ज़रा सा भी कोई भी डाउट हो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करके या कॉल करके कन्फर्म कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक इसके साथ मैं एक पढ़ाता हूँ आपको, लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होता है कि दो वैल्यूज़ में हम कंपेरिजन करते हैं, वो दो वैल्यूज़ एक दूसरे से या तो छोटी होती हैं, या एक दूसरे से बड़ी होती हैं, या एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो छोटी है वो लेस देन, जो बड़ी है वो ग्रेटर देन, और जो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इक्वल टू। जैसे इसके मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स रखे हैं, उन्हीं एग्जाम्पल्स के जरिए मैं आपको समझाऊंगा और उन्हें उन डिजिट्स को रीड करके बताऊंगा। जैसे फर्स्ट डिजिट है हमारी 5423, जैसे हम पढ़ेंगे 5423, एंड सेकेंड डिजिट है 5432। अब देखो ये फर्स्ट टू प्लेस तक तो इक्वल है, उसके बाद ये लेस देन हो गया, ये इसका ग्रेटर पोजिशन हो गया, तो इसलिए इसका साइन इस तरफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट है 3675, बोथ पोजीशन आर सेम डिजिट, यानी कि फर्स्ट जो फर्स्ट प्लेस पर डिजिट है वो भी वही है 3675, एंड सेकंड डिजिट भी 3675। इसका मतलब बोथ डिजिट्स आर इक्वल, तो इनके बगल इनके बिटवीन में क्या साइन आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन 9821 एंड 9799। ओके, तो 9800
तो देखो 9 फर्स्ट प्लेस तक ये दोनों इक्वल हैं। जब फर्स्ट प्लेस पे इक्वल हैं तो हमने सेकंड डिजिट पे देखा तो ये ग्रेटर देन फॉर्म में और ये लेस देन फॉर्म में, तो इसलिए इस तरफ साइन आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू इन 5 पॉइंट्स में कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इन सबको आपको आपकी नोटबुक में नोट करना है। और इसके बाद आपको मैं ये 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको रीड करके बताता हूँ व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, यानी इसमें क्या बताना है, ध्यान रखना प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 67295। ओके, देन नेक्स्ट व्हाट इज द फेस वैल्यू 39847, यानी कि आपको फर्स्ट वैल्यू में बताना है प्लेस वैल्यू और सेकंड में बताना है फेस वैल्यू। ओके, देन थर्ड डिजिट है मार्क द राइट साइन, यानी कि आपके अकॉर्डिंगली इसमें राइट साइन को मार्क करना है। ये जो आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं 6534 ब्लैंक 6543, इसमें लेस देन कौन सा है, इसमें बताना है ग्रेटर देन कौन सा है, और इसमें बताना है इक्वल टू कौन सा है। इन तीनों क्वेश्चंस में आपको लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू बताने हैं, और फर्स्ट टू क्वेश्चन के अंदर आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। अब किसी को प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल में कोई भी डाउट हो मुझसे कंसर्न कर लेना, और इस वर्क को नोट कर लो। किसी को